हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए फिर एक बार नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बार बैंडिंग से लेकर के स्लैब कास्टिंग तक की कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में बार बैंडिंग का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है, सबसे पहले इन्होंने मेन बार्स को इक्वल डिस्टेंस पर डाल दिया है। और इक्वल डिस्टेंस पर डालने के बाद फिर इनको क्या किया जाएगा, इनको इस तरीके से बांधा जाएगा, जैसा कि इधर से इन्होंने बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरफ इन्होंने बार डालने के बाद, मेन बार डालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार डालकर बांधना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब इनको बांधा जाता है तो हमारे पास जो वायर होता है वो 22 गेज का वायर होता है, जिससे हम बार बैंडिंग करते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये जो बार बैंडिंग हो रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इस साइड पर जो हमारा, या फिर कह सकते हैं प्लॉट जो है, वो तीन साइड से रास्ते को कवर करता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, तीनों ही साइड 3 फुट का छज्जा दिया है। तो उस छज्जे की तरफ जो है, ये बार बैंडिंग जो करेंगे वहाँ पर इंक्लाइंड बार दे करके भी बार बैंडिंग की जाएगी, जैसा कि हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में उन्हें इंक्लाइंड बार कहते हैं, जो सीयर रेसिस्टेंस को बियर करता है और सीयर फोर्स को रेसिस्ट करता है। और ये जो लोकल लैंग्वेज में उन्हीं बार को क्रैंक बार बोलते हैं, कि वहाँ पर क्रैंक डाल देते हैं छज्जे पर। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले इन्होंने शुरुआत की है, वो पहले छज्जे पर से बना बार बैंडिंग शुरू की है। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में सफाई से की गई है ना, जो बार इसमें को बांधा जा रहा है जॉइंट, और यहाँ पर क्या है, इस प्लॉट पर जो बीम बनाए गए हैं, वो इस प्लॉट के चारों ही तरफ प्लाई के टुकड़ों को जो है 9 इंच का बीम काट करके, नाप के अटैच करके, जिसे हम टाई जो जॉइंट बीम भी कह सकते हैं, अच्छे तरीके से और मिला दिया। कुछ बीच में भी बीम लिए गए हैं, जो कि वो भी 9 इंच के ही है। और जो 9 इंच का बीम है वो स्लैब में क्या होता है, नीचे रहेगा और बाकी स्लैब की मोटाई ऊपर रहेगी, बट जब हमारे पास ये बीम जो है अटैच रहेगा उसके साथ में ये जो। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब हम इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ से लेकर के उस कोने तक की कुछ एरिया में हार्ड नहीं लगता है, और जो बार बैंडिंग कर दी गई है, और कुछ एरिया में अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बार बैंडिंग की जा रही है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि जॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन प्लाई के अंदर या नहीं। बीच का जो ये जीने का पोर्शन है, बॉक्स होता है, उसका साइज इस तरीके से बार बैंडिंग हो रहा है यहाँ पर पहले से ही क्या करते हैं, और यहाँ क्रैंक भी दी गई है, अच्छे तरीके से मेजर कर लेते हैं कि शॉर्ट साइड में कितना होना चाहिए और लॉन्ग साइड में कितना होना चाहिए। मतलब नॉर्मली इनको जो रेजिडेंशियल साइड होती है, जो आप जहाँ पर ज्यादा इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर जो है 5x6 का लोकल गैप होता है मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में, उस बॉक्स को बना लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मेन बार होती है वो हमारी 5 इंच पर होती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो 6 इंच पर होती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस, वैसे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर दूर है, अभी मैं इसको जूम करके देख रहा हूँ तो ऐसा ही लग रहा है मुझे तो, जैसे इन्होंने काफ़ी दूर दूर डाला है, और 6 इंच से भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब इनको हम कंप्लीट बार बाइंड कर देंगे तो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी वर्क है वो मेजर करके ही किया जाता है। अगर हम बिना मेजर किए करेंगे तो वहाँ पर जो बॉक्स होगा या उसका गैपिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और कंक्रीट जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर कंक्रीट जो है वो सरी के साथ में बाइंड नहीं होगी, और बाइंड नहीं होगी तो वहाँ पर जो वो सरफेस होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर और जूम करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हो चुकी है बाइंडिंग और कहाँ पर चल रही है। यहाँ पर क्या है, ये जब क्रैंक डालेंगे तो यहाँ पर एक चेयर लगाएंगे, चेयर होती है दोस्तों, तो उसको एल शेप में मोड़ करके जो आगे की तरफ छज्जे की तरफ जो हमारे बार को ऊपर उठाने का काम करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट डे अब हम
चलते हैं कि जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो नेक्स्ट डे बार बेंडिंग के बाद स्लैब कास्टिंग शुरू हुई। तो जब स्लैब कास्टिंग शुरू होने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्लैब कास्टिंग शुरू हो चुकी है, और स्लैब कास्टिंग शुरू होने से पहले इन्होंने थोड़ी सी कास्टिंग कर दी तब तक हम पहुँचे। तो अभी यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक कोने से शुरू किया और एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जब तक जाएंगे, और इसी प्रोसेस में आगे स्लैब कास्टिंग की जाती है। दोस्तों जहाँ पर भी कंक्रीट ज़्यादा होती है उसको फट्टे की सहायता से उसको लेवल कर लिया जाता है, और लेवल करने के बाद अगर वहाँ पर और भी ज़्यादा कंक्रीट आ रही है तो कमी कम अगर है तो फावड़े से हेल्प से डाल दी जाती है, और अगर ज़्यादा है तो फावड़े से निकाल ली जाती है। जैसे कि पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि लेबर है वो फावड़े से जहाँ जहाँ कम कंक्रीट है वहाँ पर डाल रहा है। और दोस्तों अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी कंक्रीट कहाँ पर कितनी है डाली गई है, स्लैब की मोटाई कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। वो किसी एक सरिये में धागा बांध करके या फिर तार बांध करके मेज़र कर लेते हैं। हमें स्लैब अगर 5 इंच रखनी है तो 5 इंच की मोटाई पर रखते हैं, 6 इंच रखनी है तो 6 इंच की मोटाई नापने के लिए हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम कैंडा बोलते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में अब हम उस कैंडे से भी मेज़र करेंगे कि उस स्लैब की मोटाई कितनी है और कहाँ कहाँ पर कितने कितने कंक्रीट अभी जो है प्लेस कर दी गई है। अभी उस तरफ सब कंक्रीट का काम चल रहा है, तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम इसको करते हैं। चलिए चलते हैं वहाँ पर हम और इसको मेज़र करवाएंगे। अभी यहाँ पर कंक्रीट प्लेस का वक्त चल रहा है, जहाँ जहाँ कंक्रीट ज़्यादा हो रही है वहाँ पर उनको इक्वल कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी कंक्रीट को मेज़र किया जा रहा है, ये देखिए ये जो है उन्होंने मेज़र किया है। तो अभी यहाँ पर जो है कंक्रीट जहाँ प्लेस की गई है वहाँ पर कम से कम 6 इंच मोटाई की स्लैब हो रही है, तो वहाँ से कंक्रीट को हटा करके दूसरी जगह डाला जाएगा और वहाँ पर स्लैब की मोटाई मिनिमम से मिनिमम 5 इंच रखी जाएगी। इससे कम भी नहीं रख सकते और इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटी स्लैब जो हमारी इररिलेवेंट हो जाती है और कॉस्ट हमारे से बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरीके से जैसे जैसे हम स्लैब कंक्रीट कास्ट करने के टाइम पर कंक्रीट को प्लेस करते जाएंगे, वैसे ही हम आपको डिटेल दिखाते रहेंगे। और जब ये कंक्रीट कास्ट हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी तो इस सरफेस को चिकना बना दिया जाता है एक बार, और ओनर ने डिमांड की है कि इसको फिर से मेजर किया जाए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एक और स्टेप आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कंक्रीट को मूव कराने के लिए एक बकेट का यूज़ किया गया है। वैसे तो साइड पर क्या है कि हम तसलों से या फिर लकड़ी की टोकरी होती है इनसे कंक्रीट को लाया जाता है और तब कंक्रीट प्लेस की जाती है, और यहाँ पर जो है इनका अच्छा सिस्टम है और जिससे कि ये बकेट के थ्रू कंक्रीट को आसानी से वहीं ले जाकर के प्लेस कर देते हैं, और जिससे कि काम भी आसानी से हो रहा है और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब जब इसको स्मूथ सरफेस बना दिया जाएगा कंक्रीट प्लेस करने के बाद, तो हम देखेंगे कि हमारी स्लैब कैसी दिखाई देगी और कितना स्मूथ सरफेस होगा। और हम इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे दिन इसको ऑब्जर्व करना पड़ रहा है हमें। और देखिए दोस्तों जब स्लैब कंप्लीट कास्ट हो चुकी है उसके 1 घंटे के बाद हम आए हैं यहाँ पर, और अब हमने देखा है कि यहाँ पर स्लैब को काफ़ी स्मूथ बना दिया गया ऊपर से। ये देखिए वहाँ पर अभी थोड़ा गीला है, तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही स्लैब कास्ट करके गए हैं। ये देखिए स्टेयर केस का एरिया जो है यहाँ पर, इस एरिया में जो स्लैब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, वहाँ पर जो स्टेयर केस का एरिया है उसमें जो स्लोप बनाया गया है वहाँ पर ड्राई कंक्रीट को डाला गया है, जिससे कि कंक्रीट हमारी स्लाइड ना करे और आसानी से बाइंड कर ले कंक्रीट, वरना क्या होगा अगर स्लाइड कर जाएगी तो हमारे स्टेयर केस जो फेल हो जाएगा। और दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्लैब कास्ट हो गई है, तो ये जो साइड में कॉर्नर पर जो फट्टे लगाए गए हैं जिन्हें हम तख्ते या फिर प्लैंक भी बोल सकते हैं, तो ये होते हैं, कोई 4 इंच का होता है और कुछ 5 इंच के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमें 5 इंच की स्लैब बनानी है तो हम 5 इंच के ही फट्टे लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो स्लैब है लगभग उसी लेवल में आ जाए।
और उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर स्लैब इससे ज़्यादा मोटी नहीं होगी, इससे ज़्यादा ऊंचाई अगर हम ज़्यादा बड़े फट्टे लगा देंगे तो हमारी स्लैब जो है वो काफ़ी मोटाई हो जाएगी। अगर हम क्योंकि मिस्त्री क्या करते हैं कभी कभी वहाँ पर कंडे से नहीं नापते हैं, वो डायरेक्ट स्लैब फट्टे के अकॉर्डिंग मेज़र करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों स्लैब कास्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर से जब हम उठ करके फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ एरिया इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इस प्लॉट का साइज जो 20x45 का था और आप देखिए जब दो तीन तरफ से रास्ता है तो प्लॉट का साइज हो जाता है इनका 23x51 का, क्योंकि 3 फुट जो है चौड़ाई इंक्रीज हो गई है और 6 फुट जो है इनकी लंबाई इंक्रीज हुई है। इससे क्या होगा प्लॉट का एरिया इंक्रीज हो गया है और आगे इनको ज्यादा एरिया मिलेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, पर ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए कि आपको मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा ज्यादा यूजफुल रहा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए एक और वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्री वॉल जो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसकी फाउंडेशन कैसी बनाई जाती है, स्टेप फाउंडेशन कैसी होती है और जो उसके फाउंडेशन के लिए हम कॉलम खड़े करते हैं या कॉलम कंस्ट्रक्ट कराते हैं वो कैसे होते हैं और उसकी खुदाई कैसे की जाती है, सारी डिटेल मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों एरिया जो है वो 28x52 का हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।